जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। श्रद्धा का अर्थ है कि मैं मान लूं जो भी मुझे कहा जाए। दुनिया के जितने प्रचारवादी है वे सब यही चाहते हैं कि वे जो कहें आप उसे मान लें। दुनिया के जितने प्रोपेगेडिस्ट है, चाहे वे राजनीतिक हो चाहे वे धार्मिक हो, वे चाहते हैं कि जो वे कहें आपको उसको मान ही लेना है। उनकी कही हुई बात में आप में कोई इनकार नहीं हो, ऐसा चाहते हैं। उनकी सबकी चेष्टाएं यह हैं कि आपका विवेक बिल्कुल सो जाए और आपके भीतर केवल एक अंधी स्वीकृति पैदा हो जाए। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो बहुत कमजोर थे और जिनके भीतर विवेक की कोई संभावना नहीं थी या जिनका विवेक बहुत क्षत था, विवेक क्षीण हो गया था, या तो जो साहस नहीं कर सकते थे किसी भी कारण से अपने विवेक को जगाने का, वे सारे लोग धर्म के पक्ष में खड़े रह गए। और जिनमें थोड़ा सा भी साहस था वे सब लोग धर्म के विरोध में चले गए। उन विरोधी लोगों ने विज्ञान को खड़ा किया और इन कमजोर लोगों ने धर्म को संभाले रखा। आज दोनों आमने सामने खड़े हैं और धर्म रोज क्षीण होता जाता है, और जबकि विज्ञान रोज विकसित होता चला जाता है, इसे कोई देखता नहीं कि यह क्या हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि विज्ञान नुकसान पहुंचा रहा है। धर्म के दरवाजे विवेकशील के लिए तब तक बंद रहेंगे जब तक विवेकशील विज्ञान के पक्ष में खड़ा रहेगा। धर्म के द्वार विवेकशील के लिए खुल जाने चाहिए और विवेकहीन के लिए बंद हो जाने चाहिए। श्रद्धा धर्म के लिए आधार नहीं रह जाना चाहिए। ज्ञान विवेक शोध धर्म का अंग हो जाना चाहिए। अगर यह हो सका तो धर्म से बड़ा विज्ञान इस जगत में दूसरा नहीं है। और जिन लोगों ने धर्म को खोजा और जाना है उनसे बड़े वैज्ञानिक कभी नहीं हुए हैं। उनकी अप्रतिम खोज है धर्म, और मनुष्य के जीवन में उस खोज से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। उन सत्यों की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो जीवन अपूर्व आनंद और अमृत से भर जाता है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।